आज क्लास नाइन्थ में हम क्विज यानी छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसका अध्ययन करें। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आएंगे आपको, निम्नांकित में से कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात का मतलब होता है कि जो भी चर राशि है जैसे x, y, इसकी पावर होना चाहिए दो होना चाहिए। ठीक, तो इसमें दो पावर में देखिए x माइनस x की घात तीन है यानी ये हो गया त्रिघात, वन माइनस x ये एक घात, और y प्लस y स्क्वायर प्लस फोर ये तीसरा, तो ये क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। सही उत्तर होगा थर्ड द्विघात। सेकेंड है तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार का गुणनखंड होगा, इसका सही उत्तर है एक्स धन एक और तीन एक्स ऋण चार, पहला उत्तर सही। तीसरा तीन धन करणी तीन इंटू तीन ऋण करणी तीन बराबर है, ये एक फॉर्मूला है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इजिक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसको एज अ ट्री ए प्लस करनी थी दूसरा है तीन ग्रेड करनी, तो इसके सिमिलर ये आंसर हो जाएगा तीन प्लस स्क्वायर ग्रेड करनी तीन का स्क्वायर। ठीक है, तो तीन तीन का स्क्वायर का मतलब होता है नौ करनी तीन और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो शेष बचता है तीन, नौ में से तीन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा छः, तो सही उत्तर होगा इसका छः। नेक्स्ट है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के शून्य है, शून्य का मतलब होता है कि बहुपद को शून्य के बराबर इक्वेट करना, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे जीरो, उसके बाद इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो शेष रहेगा x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन अब दो टर्म होगी x इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म होगी x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होगा x इज इक्वल टू जीरो प्लस टू क्योंकि माइनस जो है वो ट्रांसफर होके प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो सही उत्तर होगा जीरो और टू, तो तीसरा उत्तर सही। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं, आपको पता है कि भुज को एक्स कहते हैं कोटि को वाई कहते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई उत्तर होगा कोटि। नेक्स्ट प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो एक से शुरू होती है। ठीक है, तो संख्या लिखेंगे प्राकृतिक संख्या एक दो तीन चार और पांच। ठीक, पांच का पूछा है तो उसको ऐड करेंगे वन टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव। ठीक, अब जितनी संख्याएं होती है वो डिवाइड करेंगे, जैसे क्रमशः पांच संख्याएं हैं तो डिवाइडेड क्या करेंगे पांच करेंगे। ठीक, अब इसको टोटल करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा पंद्रह। ठीक है, डिवाइडेड बाय पांच, कैंसिल करो ये तीन बार होगा जैसा आप टेबल पढ़ो। ठीक है, ये तीन उत्तर आएगा इसका उत्तर सही उत्तर होगा तीन। नेक्स्ट है बहुपद पांच एक्स की घात तीन धन चार एक्स स्क्वायर धन सात एक्स का घात है, तो सबसे बड़ा घात ये पांच एक्स की घात तीन, तो इसका सही उत्तर होगा तीन। नेक्स्ट पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस फाइव के शून्य है, तो शून्य होगा एक्स माइनस फाइव इजिकल टू जीरो करेंगे इक्वेट एक्स इजिकल टू जीरो प्लस फाइव, या क्या लिखेंगे एक्स इजिकल टू फाइव, तो सही उत्तर आएगा x बराबर 5।
वाई बराबर चार का हल है। तो उसको हल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी एक वैल्यू रख देंगे एक्स बराबर वन, लेट इजिक्वल टू रखने पर तो वन प्लस वाई इजिक्वल टू फोर होगा, ठीक। एंड वाई इजिक्वल टू होगा फोर माइनस वन, वाई इजिक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री। इसका मतलब एक्स बराबर एक रखने पे y की वैल्यू कितनी है, थ्री है। इसका सही उत्तर होगा x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू थ्री। दो चर वाले रैखिक समीकरण की हल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो चर वाले दो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, बहुत सरल था आज का जो टॉपिक था, आप उसको लिखें कॉपी में और याद करें, ठीक है।